बीती 21 मई के दिन इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी एक हादसे में अपनी जान गवा बैठे। महज 28 साल की उम्र में पायलट अभिनव चौधरी इस दुनिया से चल बसे। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि पंजाब के मोगा में गुरुवार को भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उस दर्दनाक हादसे में पायलट अभिनव चौधरी का निधन हो गया। अभिनव चौधरी का पूरा परिवार ही बेहद दर्द में है। परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर बेहद बुरा हाल है। अभिनव चौधरी के पिता सत्येंद्र चौधरी, उनकी मां सत्या चौधरी, उनकी पत्नी सोनिका उज्जवल और उनकी छोटी बहन मुद्रिका बेहद दर्द में है। इस दौरान देखा जाए तो अभिनव चौधरी को सभी याद कर रहे हैं और अपने दिल के दर्द को रोते हुए बयां कर रहे हैं और उनका ये दर्द भरा हाल देखकर हर किसी की आंखें नम हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि हाल ही में बागपत में पायलट अभिनव चौधरी के पैतृक आवास पर बुधवार को श्रद्धांजलि सभा की गई। उनकी शहादत को सभी ने नमन किया। वहीं सभा में पंजाब के मोगा जिले के लंगियाना गांव से ग्रामीण भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जी हां दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को कि अभिनव चौधरी को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई और अभिनव चौधरी के घर पहुंचा ये तोहफा जो हर किसी की आंखों को नम कर देगा। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि गांव के कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभिनव की बहादुरी की वजह से गांव के लोगों की जान बच गई, इसलिए गूगल मैप पर पुसार गांव सर्च करके वह 400 किलोमीटर दूर यहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अपने गांव में अभिनव चौधरी की प्रतिमा भी स्थापित कराएंगे। 28 मई को गुरुद्वारे में उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ भी कराएंगे। सरपंच जगसीर सिंह, हैप्पी बरार, तीर्थ सिंह, करमजीत सिंह, राजा शेरा सिंह, गुरबख्श सिंह सभी लंगियाना गांव से पायलट अभिनव चौधरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अभिनव चौधरी की शहादत को सलाम करने पहुंचे। वहीं अभिनव चौधरी के पिता सत्येंद्र चौधरी और मां सत्या चौधरी को भी नमन करते हुए कहा कि आपने एक जांबाज और निडर बेटे को जन्म दिया जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सैकड़ों लोगों की जान बचाई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि हमने अपनी आंखों से वह दर्दनाक हादसा देखा था। विमान में काफ़ी पहले आग लग चुकी थी। अभिनव चाहते तो विमान को छोड़कर पैराशूट के जरिए निकल जाते, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। विमान को गांव से काफ़ी दूर ले गए जिससे हमारे पूरे गांव की जान बच गई, लेकिन वह वीर सपूत इस कोशिश में शहीद हो गए। गांव के सभी लोग उनके कर्जदार रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे बहादुर और जांबाज बहुत कम होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना ही दूसरों की जिंदगी बचा लेते हैं। गांव के सभी लोगों की आंखें नम थी। वहीं सभी लोगों का सीना गर्व से और भी चौड़ा हो गया। इन सभी बातों को सुनकर सभी की आंखों से आंसू छलक पड़े। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि पुसार गांव में पायलट अभिनव चौधरी के घर पर उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया गया और इस दौरान परिवार के सदस्य और गांव के लोग आहुति देकर उन्हें श्रद्धांजलि दिए। और इस तरह से देखा जाए तो अभिनव चौधरी की प्रतिमा बनाने की बात कही गांव के सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुँचे, तो ऐसे में देखा जाए तो अभिनव चौधरी के परिवार के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। अभिनव चौधरी को हमेशा ही याद किया जाएगा उनकी इस कुर्बानी के लिए। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।